समाज में डॉक्टर और अस्पताल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिकों का इन पर अटूट विश्वास भी होता है, लेकिन अस्पताल जब पैसों की आड़ में शव देने से इनकार करे तो बुधवार को नागपुर के जाने माने अस्पताल मेडिट्रिना में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें मरीजों की मृत्यु होने के बाद भी उसका शव परिजनों को नहीं दिया गया है। पहले पैसे जमा करे तभी शव दिया जाएगा, अन्यथा शव को लावारिस शव के साथ भेज दिया जाएगा, ऐसा मृतक के परिजनों से कहा गया। 2,80,000 रुपए बिल आने के बाद अस्पताल ने मृतक के परिजनों से पूरे पैसे भरकर शव ले जाने के लिए कहा। यदि पूरे पैसे भरने में असमर्थ है तो इंस्टॉलमेंट में पैसे भरकर शव ले जाने की बात कही। पहली किस्त में 1,70,000 भरने के लिए कहा, इसके बाद ही शव दिया जाएगा, ऐसा अस्पताल प्रशासन का कहना था। पैसे नहीं देने पर शव को लावारिस शवों के साथ भेजने की बात से परिजन चिंतित हो गए। उनका कहना है कि मृतक को 13 अक्टूबर को मेडिट्रिना अस्पताल में भर्ती किया था, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया। लिहाजा मरीज कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए हर रोज परिजनों द्वारा अस्पताल प्रशासन से मरीज के स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता था और अस्पताल द्वारा यही उत्तर दिया जाता था कि मरीज की हालत में इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अचानक सोमवार के बाद उन्हें अस्पताल प्रशासन ने कॉल कर मरीज के मृत होने की जानकारी दी। मग आजची स्थिती ही आहे की जेव्हा आम्ही आमची बॉडी मागत आहोत तर ते काय म्हणतात, तुम्हाला 2,80,000 रुपये बिल झालं आहे तर तुम्ही ते पूर्ण पेड करा, नाहीतर तुमची बॉडी जेव्हा ते लावारिस बॉडी येते की नाही तिथे पाठवू। तर आम्हाला लागली भीती, तर आम्ही म्हटलं, त्यांनी मग हे म्हटलं त्या मॅडमनी की एक तुमचं आयडी प्रूफ आणि हे आपलं काय म्हणतात चेक ते जमा करा आणि टप्प्याटप्प्यानी तुम्ही पैसे फेडा 1,70,000, तेव्हा तुमची बॉडी आम्ही तुम्हाला देतो। कोरोना पॉझिटिव्ह दाखवत आहे पेशंटला। अस्पताल द्वारा लापरवाही और लूटपाट के किस्से दिनों दिन बढ़ रहे हैं, जिस ओर प्रशासन का ध्यान जरूरी हो गया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो डॉक्टर, जिन्हें लोग भगवान के जैसे पूछते हैं, और अस्पताल, जिन्हें मंदिर कहा जाता है, उन पर से विश्वास उठता चला जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़ी के साथ दिशा हटवार, NBC News नागपुर।